विपक्ष की यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर सवाल खड़े किए जाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम ही विरोध करना है। जो कांग्रेस चुनाव से पहले ओपीएस चिल्ला रही है तो उसे लागू क्यों नहीं करती। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आए। यहाँ एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। यहाँ मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सिंधिया ने कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। यूपीएस के विरोध के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि विपक्ष का काम ही देश को खड्डे में ले जाकर छोड़ना है। जिस यूपीएस को प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मचारी संगठनों से बात कर बनाया है, यह सबसे बेहतरीन पेंशन स्कीम है। आज उसका विरोध कांग्रेस कर रही है, जबकि चुनावों से पहले ओपीएस चिल्लाने वाली कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल में इसे लागू क्यों नहीं कर पा रही। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ विरोध नहीं करे, कुछ काम भी करे। याद रखें, मोदी की सरकार कामदारों की सरकार है, नामदारों की सरकार नहीं। वहीं ग्वालियर में होने वाली रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि इसकी सभी को बड़ी उत्सुकता है। मुझे विश्वास है कि कुछ अच्छे निर्णय उस दिन लिए जाएंगे। ग्वालियर चंबल संभाग के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं होंगी। ग्वालियर चंबल को मिलने वाले लाभ के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि हमारे संभाग के लिए बहुत सारी संभावना है। हमारा संभाग दिल्ली का एक काउंटर मैग्नेट बन सकता है। विपक्ष का काम ही है विरोध करना। विपक्ष का काम ही है देश को खड्डे में ले जाकर छोड़ना। जिस यूपीएस को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं विचार विमर्श करके लंबे अरसे पर सारे सरकारी कर्मचारी के संगठनों के साथ मिलकर चर्चा करके रास्ता निकाल कर कि जो हमारे कर्मचारियों के हित में नीति होगी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, सबसे बेहतरीन पेंशन स्कीम है हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों की। बड़ी उत्सुकता है और मुझे विश्वास है कि कुछ अच्छे निर्णय उस दिन लिए जाएंगे और ग्वालियर चंबल संभाग के लिए, केवल ग्वालियर के लिए नहीं, संभाग के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं और निर्णय भी होंगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।